Assalamualaikum. So welcome back to my channel Sharma Reaction. I hope you're doing well and great. So आज की मेरी वीडियो रिएक्शन है कि why Muslim girls wear hijab burqa क्यों पहनते हैं. तो actual में मैं अपना बताऊं तो मुझे सच में नहीं पता कि Muslim लोग जो girls होती हैं वो burqa क्यों पहनती हैं. जहाँ तक सुना कि हाँ वो उनको उनके धर्म में ऐसा है कि उनको पूरा कवर करके बॉडी रहनी होती है, पूरा सब कुछ, ओनली फेस और हैंड्स के अलावा कुछ भी नहीं देख सकते. इतना ज़्यादा मुझे पता है बट कंफर्म पूरी तरीके से नहीं पता कि गर्ल्स हिजाब जो बुरखा होता है वो क्यों बियर करती है. तो इस वीडियो में बताया गया है कि वो क्यों बियर करती है. तो चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो. लेकिन उससे पहले मैं आप चैनल पर नहीं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. ऑल्सो वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट पर लाइक जरूर कर लीजिएगा. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन तक फ्यूचर की वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो. قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुरखा क्यों पहनती हैं. ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम विमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं. एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज. लेट्स बिगिन. फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है. तो हिजाब का मतलब है टू कवर. ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें. बिकॉज वी बिलीव के एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है. तो हम अपने बाल भी ढकते हैं एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ वेमेन. अपार्ट फ्रॉम दिस मुस्लिम वेमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो. अब ज़रूरी नहीं कि वो बुरखा ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडर्न ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो. सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए. अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम वुमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं. तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ. कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नज़रें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें. मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया है हम उसे फॉलो करें. तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज़ कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें. ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है. तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की. अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन इज कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. हम घर पर हिजाब नहीं पहनते. बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामुओं के सामने या लेडीज़ के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई ज़रूरत नहीं है पर्दा करने की. वी कैन बी वेरी नॉर्मल. इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है. सो वेन एवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं. अदरवाइज वी चिल आउट एट होम. अनदर वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मेजॉरिटी मुस्लिम वुमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं.
Basically, when a girl reaches her puberty, जब एक लड़की बालिग हो जाती है, तब से it is advised that वो अपने आप को modestly dress up करना शुरू करे. For example, in my case, मेरे parents ने मुझे बिल्कुल भी force नहीं किया हिजाब पहनने के लिए. उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी, दीन की भी और दुनिया की भी. And then it was up to me whether I want to opt it or not, and I did. और ये चीजें ऐसी हैं, आप किसी पे force नहीं कर सकते. जब इंसान खुद सोच कर, समझ कर इसको accept करता है, तभी वो lifelong चल सकती है. जबरदस्ती वाली चीजें ज़्यादा time तक चल नहीं पाती. Another common misconception is कि black color का बुरखा पहनना ज़रूरी है. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए. अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आप वो ड्रेस पहनिए. ज़रूरी नहीं कि आप बुरखा ही पहने. ऑल्सो ज़रूरी नहीं कि इफ़ यू आर वेयरिंग अ बुरखा वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर. तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मेजॉरिटी वेमेन एक ब्लैक बुरखा पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, ज़रूरी नहीं है. बस जो मेन चीज़ें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीज़ें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस. हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफ़ी डीप चीज़ें सिग्निफाई करता है. फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन. ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उसे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता. ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है. So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं. तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी ज़िंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे. एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज़ द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी ज़बरदस्त राइट्स दी गई हैं. विमेन आर ट्रीटेड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट इन इस्लाम, दे हैव बीन गिवन द हाईएस्ट स्टेटस इन इस्लाम. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है. दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट वुमेन एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल. हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज़ एन एडिशन टू द पर्सनालिटी. जो लेडीज़ हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिज़ायर्स होते हैं. दे आर वेरी नॉर्मल एंड कम्प्लीट ह्यूमन बींग्स. इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस दैन एनीवन एल्स. मीडिया में ज़्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम वुमेन पे बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जो मीडिया में शो किया जाता है. ज़रूरी नहीं कि वो सही हो. अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए. इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. आप प्लीज़ जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा. जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी. स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज़्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के. तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज़ की कमी है हमारी कंट्री में. एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन हिजाब ब्रांड
ramshasultan.com जहां पर हर तरीके के, हर कलर में, हर वैरायटी के हिजाब्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा कलेक्शन देखने के लिए तो आप ramshasultan.com से हिजाब्स और मॉडर्न ड्रेसेस और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप कि आपकी जो जनरल क्वेरीज थी कि क्यों मुस्लिम वेमेन हिजाब पहनती हैं, वो मैंने सॉल्व कर दी, आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। ये बहुत ही जनरलाइज्ड वीडियो थी, मैंने इन डेप्थ ज़्यादा कुछ नहीं बताया। अगर आपको इन डिटेल कुछ जानना है तो मैं कुछ वीडियोज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उनके डायरेक्ट लिंक्स, आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ मैसेज टू ऑल मुस्लिम्स, मैंने इन डिटेल चीज़ें नहीं बताई हैं, बहुत ही जनरल ओवरव्यू था उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ दरगुजर कर दिएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो ये थी वीडियो रमज़ा सुल्तान की। तो ऑफकोर्स इस वीडियो से बहुत कुछ पता चला, मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअल, मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद उनको ये करना ही है कि हिजाब में पहनना ही है और ये कि कंपल्सरी है पहनना, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, उन लोग कोई फोर्स नहीं है या फिर ऐसा नहीं है कि नहीं आपको पहनना ही पहनना है, बट यार ये उनके लिए ज़रूरी है, अल्लाह ने उनको बताया है, कुरान में फरमाया है, तो ऑफकोर्स पहनना है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये सही भी बात है, अगर उनको अल्लाह ने बोला है। हालांकि नहीं है कि बहुत सी ऐसी मुस्लिम लड़कियां भी हैं जो कि नहीं पहनती, ऑफकोर्स ये ऐसा ज़बरदस्ती वाला नहीं है, अपनी मर्जी से पहनना चाहते हैं जो पहनते हैं और जो नहीं पहनना चाहती वो नहीं पहनती। तो इस वीडियो में मुझे बहुत कुछ पता चल गया कि ऑफकोर्स हिजाब होता क्या है एंड क्यों वियर करते हैं, एक्चुअल में ऐसा क्या है, एंड हिजाब से जिसको मैंने बताया बाल कवर होता है, ऑफकोर्स बहुत अच्छी कि अच्छा लगा मुझे कि हाँ बाल कवर करने के लिए हिजाब जो है ठीक तरीका अच्छा है। एंड आई लाइक दिस वीडियो ऑल्सो, आप लोग कैसा लगा ये वीडियो, देखने अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, तो फ्यूचर की वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो रिएक्शन, और कमेंट्स करके मुझे बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पे रिएक्शन देनी है, तो प्लीज़ कमेंट। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें, मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ गो एंड फॉलो मी एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।